अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ कबाब कढ़ाई की रेसिपी शेयर करेंगे। हाफ के जी कीमा लिया है मैंने, कोई भी ले सकते हैं आप, चिकन लैम या फिर बीफ का। एक अदद प्याज लिया है, चॉप कर लिया उसे। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और रेड चिली ली है। इसके अलावा जो मसाले इसमें जा रहे हैं, इसमें नमक, रेड चिली पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और क्रश चिली सा, और ज़ीरा पाउडर भी डाला है मैंने इसमें। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसके छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। मैंने इसे चॉपर में मिक्स किया है, हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। कबाब बनाने के बाद उसे हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। जब कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं, तो उसे हम निकाल के साइड पर रख देंगे। और अब इसकी ग्रेवी बनाएंगे। जिसे बनाने के लिए मैंने एक अदद प्याज लिया है, 3 अदद टमाटर, लहसुन अदरक की पेस्ट ली है, और इसके अलावा नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया लिया है। इन सब चीज़ों को भूनने के बाद हम इसमें कबाब डाल देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और ढक्कन देकर 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। और जब हमारी कबाब कढ़ाई तैयार हो जाए, तो उसे हम धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद आप इसे अदरक, प्याज, लेमन और हरी मिर्च के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली रेसिपी में।